Mr. Dens, here is your teacher, Ms. Khania, and now we are doing chapter number 3, interacting with the computer. So how can we interact with the computer? We can interact with the computer in various ways and different types. हम कंप्यूटर से बहुत तरीक़ों से इंटरेक्ट हो सकते हैं. लाइक हम उस पर पेंट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं डिफरेंट. हम अगर अपने होम्स में, अपनी डेली रूटीन के अंदर, हम उसमें कार्टून्स देखते हैं, कुछ बच्चे उसमें गेम्स भी खेलते होंगे, और डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं. ठीक है. अच्छा, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? वो डिवाइसेस जो इनपुट देने में हेल्प करती हैं, जिनके थ्रू हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल, माउस एंड कीबोर्ड एंड द डिवाइसेस विच गिव अस द आउटपुट. फॉर एग्जांपल, मॉनिटर एंड प्रिंटर, जो डिवाइसेस हमें आउटपुट देती हैं, क्योंकि जो रिज़ल्ट होता है हमें मॉनिटर स्क्रीन्स पे नज़र आता है, या हम हार्ड कॉपी के थ्रू प्रिंटर से प्रिंट आउट करते हैं. तो दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस. तो क्वेश्चन आंसर्स हैं. ये सारा काम हमने हमारी कॉपीज़ में करना है. बहुत नीट एंड बहुत क्लीन वर्क होना चाहिए. फिल इन द ब्लैंक्स. ट्रू और फॉल्स. जंबल वर्ड्स. एज आई सेड कि स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, हमने उसे करेक्ट करके लिखना होता है. नंबर वन इज प्रिंटर, स्पीकर, आउटपुट, जॉयस्टिक एंड डेटा. ठीक है, ये सारा काम हमने हमारी कॉपीज़ में करना है, बहुत नीट एंड क्लीन. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू.